मध्य प्रदेश गजब है और यहाँ से खबरें भी अजब ही आती हैं। इस बीच भिंड से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर आपका दिल दिमाग सब हिल जाएगा। यहाँ पर एक आदमी सिविल जज न बन सका तो फिर ऐसा काम करने लगा कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को जज बताता था। यह आदमी जज नहीं बन सका तो कार पर ही न्यायाधीश लिखवा लिया और फर्जी जज लिखवाकर ट्रैफिक पुलिस और आम लोगों पर रौब झाड़ता था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले का रहने वाला यह शख्स पिछले एक साल से अपने परिवार को धोखा देकर भिंड में रह रहा था। जिला पुलिस ने इस फर्जी जज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शख्स के पास जो विजिटिंग कार्ड मिले हैं उसमें उसका ओहदा सिविल जज लिखा था। उसके मोबाइल फोन में एक आवेदन पत्र भी मिला जो उसने सीनियर्स को छुट्टी के लिए आवेदन के लिए लिखा था। जिला पुलिस ने इस फर्जी जज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस शख्स के पास जो विजिटिंग कार्ड मिले हैं उसमें उसका ओहदा सिविल जज लिखा था। उसके मोबाइल फोन में एक आवेदन पत्र भी मिला है जो उसने सीनियर्स को छुट्टी के लिए लिखा था। DSP हेडक्वार्टर मोतीलाल कुशवाहा को मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर बताया कि छिबरामऊ का रहने वाला दीपक भदौरिया खुद को सिविल जज बता रहा है जो किराए के मकान में रहता है। पुलिस इस सूचना के बाद जब छानबीन में लगी तो पता चला कि स्वतंत्र नगर के किराए के मकान में रहने वाले इस युवक ने गाड़ी पर भी न्यायाधीश लिखवा रखा है। पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए पिछले 3 साल की सिविल जजों की नियुक्तियों और पोस्टिंग संबंधी जानकारी जुटाई तो पता चला ऐसी किसी लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था। इस नाम पर कोई जज आज तक भिंड जिले में आया ही नहीं। पुलिस ने सारी जानकारी निकालने के बाद दीपक को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने जज बनने के सारे राज खोल दिए। दीपक भदौरिया ने पुलिस को बताया कि अपनी बीमार माँ को तसल्ली देने के लिए उसने ड्रामा रचा। जबलपुर से एडवोकेट की डिग्री के बाद कानपुर में रहकर सिविल जज की पढ़ाई की। उसके पिता ने काफी पैसा खर्च किया ताकि वो जज बन सके, लेकिन वो उनका सपना पूरा नहीं कर पाया। तब से उसने झूठ के जरिए अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दी और लोगों पर फर्जी भौकाल बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें वीकी न्यूज़ MP। धन्यवाद।